हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर विशाल और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। स्पेशली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपके शरीर पे कोई घाव है या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से आपके शरीर पे कोई घाव बना है, तो उसको भरने में कैसे मदद होगी अगर आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ को लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है शुगर कंट्रोल की और कैसे उसका इफेक्ट होता है वूंड हीलिंग पे। और उसका नुकसान ये होता है कि कोई भी छोटी सी लगी हुई चोट या कोई भी ऑपरेशन जिससे कि आप जल्द से जल्द रिकवर होना चाहते हैं, आप हो नहीं पाते हैं बिकॉज आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है एंड आपको अंदाज़ा नहीं रहता है कि इससे आपके शरीर का कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा मैंने देखा है कि अच्छा अच्छा किया हुआ ऑपरेशन या कोई छोटे से लगे हुए घाव कई बार इतने ख़राब हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं रही। तो ये वीडियो के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि शुगर को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, कैसे आपको उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो पाए, आप चाहे जो ट्रीटमेंट है वो ले पाएँ। तो डायबिटीज़ और वूंड हीलिंग किस तरीके से रिलेटेड है, सबसे पहले ये समझते हैं। वूंड हीलिंग यानी कि शरीर पे कोई भी घाव बन जाए तो उसको भरने के लिए वहाँ पे इन्फेक्शन का नहीं होना बहुत ज़रूरी है। एंड डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हो जाता है कि जहाँ कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वहाँ जहाँ पे भी उनको घाव बनता है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके घाव जनरली अच्छे से भर नहीं पाते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है डायबिटिक लोगों में, उनका घाव नहीं भर पाना एंड उसके कारण उनको अलग अलग तकलीफें आती रहती हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको अपना घाव जल्दी भरवाना है तो आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा एंड दो शब्द की मतलब समझनी पड़ेगी। एक है हाइपोग्लाइसीमिया एंड एक है हाइपरग्लाइसीमिया। नॉर्मल शुगर की रेंज डायबिटिक लोगों में 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहती है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो उनकी शुगर 70 से लेकर 200, 70 से लेकर 200 के बीच होनी चाहिए। अगर 200 के आगे जा रही है तो उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया मेडिकल टर्म्स में, और अगर 70 से नीचे आ रही है तो उसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल टर्म्स में। तो आपकी शुगर 70 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 200 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शुगर 70 से कम हो गई है या 200 से ज़्यादा हो गई है? तो 70 से कम वाली शुगर वाली सिचुएशन जो है वो काफ़ी डेंजरस होती है। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है ट्रीटमेंट देने का, हालांकि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? आपको अचानक से चक्कर आने लगेगा, आपको बेचैनी होने लगेगी, पैल्पिटेशन होने लगेंगे, आपको पसीना आने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। उसी के साथ आपको चक्कर भी आ सकता है, आपको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, हो सकता है कि आपकी आँखों के सामने अंधेरा आ जाए और आप गिर पड़े, उसके कारण आपको सर में चोट भी लग सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, शुगर बॉडी में कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया 70 के नीचे शुगर चले जाना काफ़ी शरीर के लिए डेंजरस हो सकता है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हुआ है तो आप उसको मीठी चीज़ पानी में ग्लूकोज मिला के अगर पिला दें तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बिस्किट खिलाना चाहिए या कोई फ्रूट खिला देना चाहिए, बट उसको डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। तो सबसे ईजी तरीका यही होगा कि आप पानी में ग्लूकोज मिला के पिला दें। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल के बाहर हैं तो आप तुरंत ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मीठी चीज़ ला के पिला सकते हैं, उनकी रिकवरी काफ़ी फटाफट हो जाती है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर 200 से ज़्यादा हो जाना। हाइपरग्लाइसीमिया आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता है और इसी की वजह से लोग काफ़ी समय तक सफ़र करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो शुगर ज़्यादा है या आपको कैसे पता चलेगा, आपके शरीर में कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ज़्यादा पेशाब आने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप खाना खाएंगे वो आपके शरीर पे लगेगा नहीं, आप खाना खाओगे लेकिन आपको भूख भी लगते रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वज़न कम होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपकी शुगर ठीक से बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो पाने के। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी ब्लड शुगर चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी शुगर 200 से ज़्यादा है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने शरीर में अपने शुगर की रेंज को इन 70 से 200 के बीच में रखें। अब आप शुगर को
70 से 200 के बीच में कैसे रखोगे? दो तरीके हैं, एक तो आपको डॉक्टर बताएंगे और एक तरीका आपको खुद करना पड़ेगा। जो आप खुद कर सकते हैं वो है डाइट से रिलेटेड चीज़ें। मेनली डाइट में आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाहिए। अब मैं हर एक चीज़ आपको नहीं गिना सकता हूँ कि कौन सी चीज़ खानी है कौन सी चीज़ नहीं खानी है, हालांकि इसके लिए मैंने कुछ इंटरनेट पे अच्छे आर्टिकल ढूंढे जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो फुर्सत में पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम से कम खाने होते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जब बॉडी में जाते हैं, जब आप खाते हो वो पेट के थ्रू डाइजेस्ट होते हैं, तो वो ब्लड में पहुँचने के बाद ब्रेक डाउन होकर शुगर बन जाते हैं, और ये शुगर को ब्लड से निकल के आपके अलग अलग सेल्स में, आपके ऑर्गन्स में जाने के लिए मदद करने में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। एंड इंसुलिन जो है ये डायबिटिक लोगों में कम होता है या तो सफिशेंट मात्रा में नहीं होता है। तो जो शुगर है वो आपके ब्लड में ही घूमते रहती है, एंड इसी के कारण उस शुगर से जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ब्लड में शुगर घूमते रहने के और भी कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर भी ये शुगर वाला ब्लड जाता है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया को ये शुगर खाने के लिए मिल जाता है तो वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। उसी के साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो ये शुगर के कॉन्टैक्ट में आके वो भी ख़राब होने लगती हैं, जो नर्व्स हैं वहाँ पे वो भी ख़राब होने लगती है। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको कहीं पर भी चोट लगेगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कम है तो वहाँ पे घाव ठीक से भरेगा नहीं, और क्योंकि नर्व्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको चोट लगी है। तो एज अ सर्जन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पूरी तरीके से पता चले कि आपको कहाँ पे चोट है, कहाँ पे घाव है, और आप उसको फील कर पाओ। लेकिन अगर आपकी नर्व्स ख़राब हो जाएंगी तो ये चीज़ नहीं हो पाती है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शुगर को कैसे कंट्रोल में रखें, एंड डाइट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट से आपको दूर रहना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ कॉमन जो कि हम रोज़ में खाते हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। चावल इज़ वेरी कॉमन, आलू बहुत ही कॉमन है, जो शुगर है, शक्कर जैसे कि गुड़ हो गई, या जो डबल शुगर है जो कि हम चाय में वगैरह में डालते हैं वो हो गई, पापड़ वगैरह हो गया, अचार हो गए, इन सब में भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सब चीज़ों में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैदा हो गया, कॉर्न फ्लावर हो गया, ये सब चीज़ों में भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। फ्रूट्स खाने के मामले में भी आपके ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपकी शुगर डाइट द्वारा काफ़ी कंट्रोल में रह सकती है। इनके ऑल्टरनेटिव्स अगेन आप इंटरनेट पे ढूंढ के या किसी डाइटिशियन की मदद लेके आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आप वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां काफ़ी खा सकते हैं, आप होल व्हीट काफ़ी खा सकते हैं। कुछ और डाइट रिलेटेड एडवाइस जो मैं आपको दे सकता हूं वो ये है कि आपको अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट यानी कि अगेन सलाड्स उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड इसका फ़ायदा ये होता है कि हाई फाइबर डाइट के कारण आपकी जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाती है, और हमको यही चाहिए कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या शुगर स्लोली एब्जॉर्ब हो पाए। उसी के साथ अगर आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट यानी कि जो ख़राब वाला फैट है वो कम रखेंगे तो भी आपकी काफ़ी मदद होगी, आप ओवरवेट नहीं होंगे, तो आपके बॉडी में जो लिमिटेड अमाउंट में इंसुलिन बन रहा है होपफुली वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। तो ये तो चीज़ें हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, हो सकता है आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। आपका काम ये है कि आपको वो दवाइयाँ नियमित तौर पर लेनी है, रोज़ सोचना नहीं है कि मैं आज लूँ या नहीं लूँ, जैसे बताया गया है वैसे लेना है, और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना है, हर महीने, दो महीने में, तीन महीने में उनको मिलके शुगर चेक करवा के अपनी डोजेस चेंज करवानी है और एडजस्ट करवानी है। अब जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनको शुगर मेरे हिसाब से एटलीस्ट या किसी भी डॉक्टर के हिसाब से उनको क्लोज वॉच रखनी चाहिए, उनको बहुत रेगुलरली अपनी शुगर मेंटेन, शुगर पर नज़र रखनी चाहिए, तभी उनकी शुगर अच्छे से मेंटेन हो पाती है। आजकल शुगर के जो मॉनिटर होते हैं, जो ग्लूकोमीटर्स होते हैं, वो बहुत आसानी से आप दुकान से परचेज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो आपको अपनी शुगर की रीडिंग लेनी चाहिए और एक कहीं लिख के रखना चाहिए, एंड जैसे कि मैंने बताया अगर वो 70 से 200 के बीच में है तो आप समझ सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं, और वो तब पहुँचते हैं जब उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रही है और कई महीनों तक, कई सालों तक आउट ऑफ कंट्रोल रही है, एंड फिर उनको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज़ सिर्फ आपके ब्लड में शुगर नहीं बढ़ाती है, वो आपकी किडनीज़ को डैमेज करती है, आपके हार्ट को डैमेज करती है, आँखों को डैमेज करती है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको फंसा सकती है। इसलिए आपको डायबिटीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, अपनी शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए।
अब लास्टली मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइस बताना चाहूँगा, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट और भी अच्छे से किया जा सकता है। सबसे पहली बात, आपको कुछ ना कुछ तरीके से अपनी लाइफ में एक्सरसाइज लानी पड़ेगी। ये कोई नई एडवाइस नहीं है, सबको पता है कि करना चाहिए लेकिन करता कोई नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करें, जो भी आपकी एज है, जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा एंड इंसुलिन जो भी बन रहा है या आपको बाहर से दिया जा रहा है वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो पाएगा। स्मोकिंग अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से आपकी शुगर के जो कंट्रोल है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी शुगर अचानक से शूट होती है एंड उसके बाद कम हो जाती है एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल एज फार एज आपकी डायबिटीज़ के कंट्रोल की अगर बात करी जाए तो। अल्कोहल अगेन आपका वजन बढ़ाता है, आपके पैनक्रियास को डैमेज करता है। जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं वो भी पैनक्रियास के अंदर ही होते हैं, तो अगर आपको बार बार पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो कि अल्कोहल पीने की वजह से होता है, पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं उसको, वो भी आपके शुगर कंट्रोल में बाधा ला सकता है एंड आपके शुगर कंट्रोल को अपने लेवल से ख़राब कर सकता है एंड इसी की वजह से आपको अल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके शुगर कंट्रोल के लिए। लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से समझते नहीं हैं। जब आपके माइंड में स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी अलग अलग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अलग अलग स्ट्रेसफुल हार्मोन रिलीज करती है। प्रॉब्लम होता है कि ये हार्मोन्स के कारण आपका जो एवरेज शुगर कंट्रोल है वो गड़बड़ा जाता है एंड जो अवेलेबल इंसुलिन है वो इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। तो योगा, मेडिटेशन या ऐसे कोई भी चीज़ जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीव कर सकती है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग, किताब पढ़ना, कोई भी चीज़ जो कि आपके स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकती है वो आपके शुगर कंट्रोल में भी आपको काफ़ी मदद करेगी। लास्टली, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपकी एज के साथ। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टच में रहना चाहिए, अपने हार्ट का चेकअप, आइज का चेकअप, ब्लड का चेकअप, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स का चेकअप कराते रहना चाहिए, सारी रिपोर्ट संभाल के रखना चाहिए, जिससे कि आपको ओवरऑल अंदाज़ा रहे कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको समझाने के लिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कैसे अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं एंड स्पेशली अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है या आपको कोई चोट लगी है तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करें, इन पे ध्यान दें, तो आपका वूंड अच्छे से ठीक हो सकता है, आपकी सर्जरी से रिकवरी अच्छे से हो सकती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के एंड आप एक नॉर्मल जीवन बिता सकते हो। तो आई होप आपकी इससे मदद हुई हो एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, दूसरों को दिखाइए, उनकी भी मदद कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।